पादप पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये पादप एवं जीव जंतुओं के लिए भोजन उपलब्ध कराते हैं। लीफ पादप में फोटोसिंथेसिस का स्थल होता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल करके पादप शर्करा के रूप में भोजन का निर्माण करते हैं। पत्तियों के ही कारण पादप खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादकों की भूमिका निभाते हैं। पत्तियां न केवल भोजन का निर्माण करती हैं, बल्कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ये ऑक्सीजन का भी निर्माण करती है। इस प्रकार वातावरण में ये कार्बन और ऑक्सीजन के चक्र को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पत्तियां प्लांट शूट सिस्टम यानी पादप प्ररोह तंत्र में पुष्पों तथा पादप तनों के अलावा पादप की पत्तियां भी शामिल होती हैं। पत्तियां कई प्रकार के आकारों में पाई जाती हैं। अधिकतर पत्तियां बड़ी, चपटी और हरे रंग की होती हैं। कुछ पादप जैसे कि कॉनिफर्स में पत्तियों का आकार नुकीला अथवा शल्कों के समान होता है। पत्तियों का आकार पादप के आवास में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण करवाने हेतु अनुकूल होता है। एंजियोस्पर्म्स पादपों की पत्तियों की सामान्य संरचना में पत्तियों की ब्लेड, पिटियोल और स्टिप्यूल्स शामिल हैं। इस चित्र को देखिए, पत्ती का ये चौड़ा भाग ब्लेड कहलाता है। पत्ती का सबसे ऊपरी भाग एपेक्स या टिप कहलाता है। पत्ती के किनारों पर उपस्थित बाउंड्री मार्जिन कहलाती है। मार्जिन्स चिकनी, घुमावदार या उभार वाली हो सकती हैं। वीन्स संवहन ऊतक तंत्र है जो पत्तियों को सपोर्ट देती हैं, साथ ही खनिज पदार्थों का संवहन भी करती हैं। द्वितीयक शिराओं से निकलने वाली बीज की मध्य शिरा मिडरिप कहलाती है। बेस वह एरिया है जहां से ब्लेड पीटियोल से जुड़ा हुआ होता है। पीटियोल एक पतला पर्णवृंत है जो कि पत्ती को स्टेम से जोड़ता है। स्टिप्यूल्स पत्ती के आधार पर पाई जाने वाली पत्तियों के ही जैसी संरचना होती है। पत्तियों का ऊतक अनेक पादप कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पत्तियों में तीन प्रमुख ऊतकों का निर्माण करती है। इन ऊतकों में शामिल है मीजोफिल ऊतक स्तर जो कि एपिडर्मिस की दो परतों के बीच में दबा हुआ होता है। पत्तियों का संवहन ऊतक मीजोफिल स्तर के अंदर ही उपस्थित होता है। एपिडर्मिस पत्ती का बाह्यतम स्तर एपिडर्मिस कहलाता है। एपिडर्मिस एक चिकने पदार्थ जिसे कि क्यूटिकल कहते हैं का स्त्रावण करता है, जिससे पत्तियां जल के हास से बचती हैं। एपिडर्मिस पे गार्ड सेल्स नाम की विशेष कोशिकाएं भी उपस्थित होती हैं, जो कि पत्तियों और वातावरण के बीच में गैसीय विनिमय करवाती हैं। गार्ड सेल्स एपिडर्मिस पर उपस्थित स्टोमाटा नाम के छिद्रों का नियंत्रण करती हैं। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने से गैस, ऑक्सीजन, जलवाष्प तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आवश्यकता अनुसार ग्रहण तथा निष्कासन किया जा सकता है। पत्तियों के मध्य में पाए जाने वाला मीजोफिल स्तर पैलिसेड मीजोफिल क्षेत्र और स्पॉन्जी मीजोफिल क्षेत्र से मिलकर बना होता है। पैलिसेड मीजोफिल में कॉलम नुमा कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जिनके मध्य अंतरकोशिकीय स्थल उपलब्ध होता है। पादप का अधिकांश क्लोरोप्लास्ट पैलिसेड मीजोफिल में ही उपस्थित होता है। क्लोरोप्लास्ट ऐसे पादप अंग है जिसमें क्लोरोफिल भरा होता है। क्लोरोफिल एक हरे रंग का पिगमेंट है जो कि सूर्य से ऊर्जा अवशोषित करता है और फोटोसिंथेसिस पूरा होता है। स्पॉन्जी मीजोफिल पैलिसेड मीजोफिल के स्तर के नीचे होता है, जिसमें असमान आकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। पत्तियों का संवहन ऊतक भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है। संवहन ऊतक पत्तियों की शिराएं या वीन्स संवहन ऊतकों से मिलकर बनी होती हैं। संवहन ऊतक में जाइलम और फ्लोएम नाम की ट्यूब नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जो कि जल तथा खनिज पदार्थों का संपूर्ण पादप में परिवहन करती है।